जहन खराब है, पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है, बिगड़े हुए सिस्टम का ये साइकिलिंग प्रोसेस है। इस साइकिलिंग प्रोसेस से कैसे निपटा जाए, आइए हम ये सब जानने की गौरव फिक्र करने की कोशिश करते हैं। बेग साहब के पास चलते हैं। बेग साहब, ये बताइए कि ये जो इंटॉलरेंस है, ये सिर्फ उन लोगों में है जो आगे बढ़ के बोल रहे हैं, आगे बढ़ के मुखालफत कर रहे हैं, या बहसियत कौम मुसलमानों में भी है? देखिए, ऐसा है कि ये एक बड़ा अहम सवाल है जो अभी आपने रेज किया, और अभी मैं मतलब सियासी नुक्ता नजर से अलग पूछ रहा हूं, मैं समाज की बात कर रहा हूँ, समाज और मुस्लिम समाज, मुस्लिम समाज और मुस्लिम समाज भी समाज का एक हिस्सा है, जो अभी पटेल साहब ने जिक्र किया था, और सेकुलर वर्ड का जिक्र आया कि जो लोग पढ़ लेते हैं मुसलमान में वो सेकुलर हो जाते हैं। देखिए, एक्चुअली हम लोगों के अंदर जो है ना, मुसलमानों के अंदर भी और इन जनरल, सेकुलर वर्ड का या सेकुलरिज्म का सही अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हम चाह रहे हैं कि दूसरा आदमी जो हमारे सामने है वो तो सेकुलर हो, और हम सिर्फ अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचें, तो देखिए ये नहीं हो सकता। बात समझ रहे आप? सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? सेकुलरिज्म का मतलब है रैशनलिज्म ऑफ थॉट। हर चीज साइंटिफिक, मतलब जैसे 2+2=4, ये अप्रोच होनी चाहिए। अगर ये अप्रोच होगी तो हर चीज सही होगी, इंसाफ से होगी। इस्लाम का भी सबसे बड़ा पैगाम जस्टिस है, और जब से दुनिया बनी आज तक इंसानियत का भी सबसे बड़ा चैलेंज जस्टिस ही है। अगर जस्टिस होगी तो कोई परेशानी नहीं होगी, और जस्टिस कब होगी? जब हम सबकी नजरें जो हैं वो रैशनल हों। बात समझ रहे? तो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के सर्वाइवल के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है पॉलिटिकल एरिना में, कि हमारी अप्रोच रैशनल होनी चाहिए। हम दूसरे से रैशनलिज्म एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम भी रैशनल हो। रैशनलिज्म का मतलब है हर चीज मेरिट पे हो, जो सही बात है वो हो, और हम किसी भी इशू को, मुस्लिम इशू जो हम लोग बार बार कहते हैं मुसलमानों के मसले, मतलब आप सिर्फ अपने मसले के बारे में सोचते रहे, दूसरा भी आपके बारे में सोचता रहे, ऐसा हो सकता? आपको हर इशू को अपने इस तरह से पेश करना है कि वो जस्टिस का इशू, बिल्कुल सही, मुसलमान का इशू नहीं है। नहीं, ये बात भाई, हम सब इस मुल्क में रहने वाले पार्ट ऑफ द सोसाइटी, और जो इशू है वो जस्टिस का इशू बताना है। सब ये अखलाक के साथ जुल्म हुआ है, समझ रहे हैं? इनजस्टिस हुई है, और उस इनजस्टिस को एड्रेस करना चाहिए सिस्टम को। क्योंकि देखिए, ऐसा है कि हिंदुस्तान के अंदर, जैसा शुरू में जमीला साहब ने कहा था कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो जनरल अच्छी बात यह है कि मेजॉरिटी इंसान जो है हमारे मुल्क में वो प्लुरलिज्म में बिलीव करते हैं, सेकुलर हैं, रैशनल थिंकिंग वाले हैं, अच्छे लोग हैं। तो हमको उस थिंकिंग को एड्रेस करना है, उनको अपने साथ लेना। आप उनको एक्सक्लूड कर दे रहे हैं, पहले एग्जाम तो मुसलमानों के इश्यूज की बात कर रहे हैं, तो ये तो बाहर हो गए सब, बाकी सब लोग बाहर हो गए। नहीं, जब हम खुद ही कॉर्नर में जाए, अपने भाई के खिलाफ भी खड़े हो जाओ, हाँ, अपने माँ बाप के खिलाफ भी खड़े तो हो जाओ, हमको ये कहना है कि हमारे भाई की मदद करो, चाहे जालिम हो या मजलूम। बिल्कुल सही बात, तो इसमें बात क्लियर है कि हम जस्टिस को अबव रिलीजियस ब्रदरहुड रख रहे हैं, और हम जस्टिस का ही, लेकिन जहाँ हम इस कौम की बात करते हैं जिसका भी हम तस्करा कर रहे हैं, हम उसके लिए जस्टिस की बात ही नहीं कर रहे, हम उसके साथ होने वाले इनजस्टिस की बात कर रहे हैं, हम उसे डिफेंड कर रहे हैं। हमारा मसला यह है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये बताती है कि इक्तसादी रूप में हम शेड्यूल क्लास और शेड्यूल ट्राइब से नीचे चले गए। अब ये इंजस्टिस है, यानी मुझे आज भी याद है कि किसी जमाने में कोई एक नेता कि इस तरह से समाज के स्ट्रक्चर को बता रहा था, हमारा समाज का स्ट्रक्चर ये है, यहाँ पे अपर क्लास है, यहाँ पे लोअर क्लास खड़े हुए हैं। मैं चाहता हूँ इसे ऐसे करूँ, ऐसा आज से बरसों पहले मैंने किसी की तकरीर में सुना था, नाम नहीं लेना चाहता मैं, और लेकिन आज मैं जैसा देख रहा हूँ वो ये है कि ऐसा हो गया, उल्टा हो गया। तो ऐसा क्यों हो गया? हम तो पहले भी ना यहाँ थे ना यहाँ थे, हम यहाँ थे, ये ऐसे हो जाता तब भी हम यहीं थे, ये ऐसे हो जाता तब भी यहीं थे, लेकिन अब हमारी जगह यहाँ से हटा के यहाँ आ गई है। और ये हम नहीं कह रहे, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कह रही है। हमारे सारे मसाइल जो हैं वो ये हैं कि हम अपने साथ होने वाले इनजस्टिस का जिम्मेदार किसे माने, अपने आप को माने या दूसरों को माने, इंपॉर्टेंट बात यह है। देखिए, दोनों है, हमारी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए मुस्लिम कम्युनिटी की भी अपनी बहुत सी कमियां हैं, जाहिर सी बात हम सब जानते हैं। क्योंकि सवाल पूरा कर दूं, क्योंकि आमतौर पर यह कहा जाता है मुसलमानों से कि देखो, मुल्क तरक्की करेगा तो तुम भी तरक्की करोगे। मैं इसके उल्टा बोल रहा हूँ, मुसलमान तरक्की करेगा तो मुल्क भी तरक्की करेगा। भाई सही बात, एक किसी मुल्क का अगर 15% हिस्सा 14% हिस्सा तरक्की करेगा तो उस मुल्क की GDP पे और उस मुल्क के तरक्की के तमाम ग्राफ पे कम से कम 14% तो फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, सच्चर का भी आर्गुमेंट है इसमें, उसका भी आर्गुमेंट यह है। तो ये हमारे साथ होने वाले इनजस्टिस का हमें पॉइंट आउट ये करना है कि इस कौम के साथ होने वाले तमाम जो इनजस्टिस हैं, नाइंसाफी हैं, उसका जिम्मेदार कौन है, कौम है तो किस हद तक है, दूसरे लोग हैं तो किस हद तक है, और उसका हल क्या है। उस हवाले से मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस कौम की पसमानदगी में इस कौम के इंटॉलरेंस का कोई हाथ है? देखिए, इंटॉलरेंस की यूनिक चीज ये है कि इंटॉलरेंट जो है वो ज्यादातर वो होता है जो पावर में है। एक सड़क पे जो आदमी भीख मांग रहा है, गरीब आदमी जो है, वो टॉलरेंट हो इंटॉलरेंट हो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं ये तो नोटिस कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, एक भिखारी दूसरे भिखारी से जगह के लिए लड़ रहा है। नहीं नहीं, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बात कर रहा हूं, क्लास के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। एक गरीब आदमी है, डिसएम्पावर्ड आदमी है,
अगर वो टॉलरेंट है या इनटॉलरेंट है उसका बहुत लोगों पर उतना असर नहीं पड़ा, उसके अपने अपने समाज में पड़ता है। जावेद भाई पावरफुल आदमी है, उसके पास जो पावर है उसने कहा कि इसको जिम्मेदार कौन है नाइंसाफी की। मैं आपसे जरा बात पूरी करना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि साहब जो पावरफुल है, ठीक है, जो इस मुल्क में जो पावरफुल फोर्सेज है, अगर वो इनटॉलरेंट हो जाए, जैसे स्टेट अगर इनटॉलरेंट हो जाए, आज के दौर में ये प्रॉब्लम है, स्टेट या गवर्नमेंट जो है वो इनटॉलरेंट अगर, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, इनटॉलरेंस को टॉलरेट करे, आप ही बात कर रहा हूँ, आपका क्या रहा है, यहाँ स्टेट इनटॉलरेंट है कि नहीं? बिल्कुल है, प्रेजेंटली है, इस वक्त परेशानियां हो रही है और उस तरफ जा रहा है, इसीलिए तो लोग चिल्ला रहे हैं। अगर स्टेट अनबायस्ड होता, इनटॉलरेंट नहीं होता, तो लोग ये बायसेस नहीं उठाते।